हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं जा रहा हूँ पिकनिक गार्डन, जो कि आरे में पड़ता है। आरे गोरेगांव, आरे रोड पे। तो मैं निकलूँगा साकीनाका से, तो यहीं पे पड़ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं। जैसे एंटर करेंगे अंदर जंगल के अंदर, रोड के अंदर, वैसे ही पड़ जाएगा। तो चलिए वहाँ चल के देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर। लाल रोड ऐसा नहीं था, अभी RCC रोड बन गया। रोड काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, कुछ दिनों में और ही अच्छा रोड हो जाएगा। पीछे की तरफ कुछ जगह बना नहीं है, तो ये रात में बहुत ही खतरनाक रास्ता हो जाता है। पहले बहुत ज़्यादा लूट मार होती थी इधर, तो अभी फ़िलहाल सुकून हो जाएगा, क्योंकि जितने रोड चलेगा उतना ही कुछ नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, बहुत ही घना जंगल है ये। मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे पिकनिक गार्डन। ये सामने रहा गेट, यहाँ से एंट्री है, 10 रुपये का टिकट है, एंट्री टिकट। तो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है अंदर। यहाँ पे फैमिली बच्चों के साथ आए हैं कि बच्चों के लिए भी बहुत सारी राइड्स हैं, झूले वगैरह। चलिए हम अंदर देखेंगे चल के। तो यहाँ पर है, अंदर आ गया हूँ मैं, बोट राइडिंग। यहाँ पर आप अपनी बोट चला सकते हैं, नाव चला सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बोट राइडिंग भी हो रही है। ये पिकनिक गार्डन है, यहाँ पर बहुत से लोग खाना भी बना कर लाए हैं, यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। साइड में बड़ा है ये जंगल जैसा, यहाँ पर आप कहीं भी बैठ के खाना पीना लेके भी आ सकते हैं, बना के पूरी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, जैसे भी आप आना चाहें। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लोग बहुत से आए हुए हैं यहाँ पर। बड़ा गार्डन है ये भी बहुत बड़ा गार्डन, पिकनिक गार्डन। बच्चों फैमिली के साथ आए हैं, यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं हैं, अभी आपको मैं सब दिखाऊंगा। ये कैंटीन है, यहाँ पर कुछ खाने पीने को भी ले सकते हैं। ये सामने देख सकते हैं कितना खाना लेके आए हैं लोग, खाने पीने के लिए आइटम सब कुछ लेके आते हैं। आराम से बैठते हैं, पूरा दिन बैठिए, आराम से जाइए घर पे, सुकून से। बहुत ही अच्छा है, सही है, ठीक ठाक है, क्योंकि साकीनाका के पास ही पड़ जाता है। जैसे एंटर करेंगे आप अंदर, वैसे ही आर्य रोड का जैसे थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, आधा 1 किलोमीटर वहीं पर है, ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा अंदर भी नहीं है। तो आप इधर इस साइड रहते हैं तो इधर से आराम से आ सकते हैं। गोरेगांव की साइड रहते हैं तो आपको गोरेगांव से अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो इधर साकीनाका मरोलनाका से इधर से अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर सब लोग राइड्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर मज़े ले रहे हैं भाई पानी का। तो देख सकते हैं यहाँ पर बोट है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम दिखाएंगे चल के बच्चों के लिए आखिर झूले किस तरह के हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं बच्चों के लिए झूले कुछ। अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है, सब कुछ आपको हम दिखाएँगे इस वीडियो में। जो भी है आसपास के लोग हैं, सब लोग आ सकते हैं। बहुत ही ठीक है ये, ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ नहीं बड़ा है, लेकिन सब ठीक ठाक है। वो देख सकते हैं सामने एक राइड है और एक ये बंद भी है। सामने देखो बड़े बच्चे सभी लोग राइड का मज़ा ले सकते हैं, ऐसा नहीं बच्चे के लिए है, आप उस पर भी बैठ सकते हैं। और ये रहा सामने, देखिए टिकट काउंटर, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का 50 रुपये चार्ज है, जो भी आप राइड करेंगे 50 रुपये पर राइड का। और ये भी जो है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मज़े से बच्चे इंजॉय करते हैं। ये रही टॉय ट्रेन है, बच्चे और बूढ़े सब बड़े सब बैठते हैं इसके अंदर, कोई भी बैठ के मज़ा ले सकता है। ऐसा नहीं बच्चे ही बैठा लेंगे, कोई भी बैठ जाएगा। ये छोटी सी बस खड़ी है, इसके अंदर भी बच्चों को बिठा के। और ये सामने झूला लगा है, ये भी अच्छा है, बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये भी एक राइड है, बच्चे बड़े कोई भी कर सकते हैं, 50 रुपये टिकट है, हर राइड का अलग अलग चार्ज रहता है। तो ये रही बस, इस पर भी बच्चों को बिठा के घुमा सकते हैं। तो झूले में कोई भी बैठ सकता है, कोई भी राइड कुछ भी कर सकते हैं आप, चार्ज लगेगा 50 रुपये सिर्फ। और पास में ही, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है आपको, सिटी के अंदर ही है ये सब चीज़ देखने को मिलेगा आपको। तो भाई भाई मैं अब बाहर आ चुका हूँ, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी आप आ सकते हैं, राइड का मज़ा ले सकते हैं, फैमिली के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, जैसे मर्जी वैसे आइए, आप आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मैं निकलता हूँ यहाँ से। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। आगे चलेंगे, आगे भी एक कैंटीन है, अंदर भी है। अगर अंदर आपको कुछ महंगा मिलता है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, यहाँ पर बाहर एक अच्छी सी कैंटीन है। तो देख सकते हैं ये अपनी लेफ्ट साइड में कैंटीन बनी है, जो ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। जब वीडियो कैसे लगे कमेंट्स करके बताना, हम सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, कब करोगे सब्सक्राइब।